हेलो मेरे दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू योर चैनल टेगी टीम। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा कमाल की और हेल्पफुल वीडियो लेके आऊँ, तो इस वीडियो के एंड तक पूरा देखना। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि मैंने आपको कैपकट को आईफोन के अंदर तो डाउनलोड करना सिखा दिया है, और अगर आपको नहीं पता कि आईफोन के अंदर कैपकट कैसे डाउनलोड करते हैं तो ऊपर मैंने आई बटन पर लिंक दे दी है, आप सीधा जाके वहां पर देख सकते हो कि आईफोन के अंदर कैपकट कैसे डाउनलोड करते हैं, और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दी है। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आप अपने लैपटॉप के अंदर कैपकट एप्लीकेशन को कैसे इजिली डाउनलोड कर सकते हो विदाउट वायरस, और कैसे उसको यूज कर सकते हो, सारे इफेक्ट कैसे यूज कर सकते हो, सारे ट्रांजेक्शन कैसे यूज कर सकते हो, वो भी एकदम फ्री में। तो चलिए दोस्तों चलते हैं सीधा हमारे लैपटॉप पे और करते हैं हमारी वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों देख सकते हो हम आ चुके हैं हमारे लैपटॉप पे। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको अपने लैपटॉप के अंदर कैपकट एप्लीकेशन को किस तरीके से डाउनलोड करना है और किस तरीके से यूज करना है, ताकि आपको वो सभी इफेक्ट्स ट्रांजिशंस देखने को मिल सके। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि कैपकट इंडिया में बैन है, और अगर आप उसको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे सर्च करोगे कैपकट एप्लीकेशन को तो वो आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों कैपकट एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से सबसे पहले आपको वीपीएन कनेक्ट करना पड़ेगा अपने लैपटॉप के अंदर। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको लैपटॉप के अंदर वीपीएन कैसे कनेक्ट करना है। तो दोस्तों लैपटॉप में वीपीएन कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको जाना है ब्राउजर के अंदर। आपके ब्राउजर में आने के बाद आपको ब्राउजर पे सर्च करना है गेट वीपीएन, तो आपको पहली वेबसाइट देखने को मिल जाएगी कुछ इस तरीके से, और आपको सिंपली इस पहली वेबसाइट पे क्लिक करना है, और आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पर वो सभी वीपीएन के आईपी एड्रेस और उसका आईडी पासवर्ड भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों ये तो मैंने आपको दिखा दी वीपीएन, लेकिन आपको इनको लैपटॉप के अंदर कैसे यूज करना है तो वो बताता हूँ। तो आपको इसको यहाँ से मिनिमाइज कर देना है और आ जाना है आपको आपके यहाँ पर, और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको वीपीएन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप वीपीएन पे क्लिक करना। मैंने अपने लैपटॉप के अंदर ऑलरेडी वीपीएन डाल रखा है, कौन सा सर्वर डाल रखा है मैं आपको वो भी बता दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे ऐड करना है वीपीएन। तो यहाँ पे मोर वीपीएन एंड सेटिंग्स में आपको जाना है, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऐड वीपीएन ऊपर ही ऊपर, तो आपको सिंपली ऐड वीपीएन करना है, और यहाँ पर आपको वीपीएन प्रोवाइडर दिखा रहा होगा लिखा हुआ। आपका यहाँ पे विंडो बिल्ड इन सेलेक्ट होना चाहिए, आपको यहाँ पे और भी ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे, मेरे लैपटॉप के अंदर सिर्फ विंडो बिल्ड इन ही लिखा हुआ आ रहा है। और यहाँ पर आपको वीपीएन का नाम देना है, आप कुछ भी देख सकते हो, मैंने तो वीपीएन 1 दे रखा है, तो मैं इसको सिंपली वीपीएन 2 दे देता हूँ। इस तरीके से आपको इसको नाम दे देना है। अब यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों आपको यहाँ पे लिखा हुआ है सर्वर नेम और एड्रेस, तो यहाँ पर आपको वो सर्वर डालना है जो मैंने आपको अभी जो वेबसाइट पर बताया था। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे सर्वर दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपको सर्वर कॉपी करना है। जैसे मैं ले लेता हूँ ये वाला सर्वर, यहाँ पे देख सकते हो ये सर्वर मैंने ऑलरेडी ले रखा है। जो मेरा पहला वीपीएन है वो मेरा ये वाला सर्वर है, आप चाहो तो ये भी ले सकते हो, मैं कोई दूसरा सर्वर ले लेता हूँ ताकि आपको इजी हो जाए। तो यहाँ से हम ये वाला जापान का एक सर्वर ले लेते हैं, तो यहाँ से ये सर्वर आपको लेना है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको वापस उसी सेटिंग्स में आ जाना है, और यहाँ पर आपको ये सर्वर पेस्ट कर देना है। देख सकते हो दोस्तों इस तरीके से ये सर्वर आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर आएगा वीपीएन टाइप, तो आपको वीपीएन टाइप ऑटोमेटिक सेलेक्ट होगा, आपको सिंपली वीपीएन टाइप को ये वाला एसएसटीपी सेलेक्ट करना है, और यहाँ एसएसटीपी सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर पूछेगा यूज़र नेम एंड पासवर्ड। आपको यूज़र नेम और पासवर्ड भी आपको उसी वेबसाइट पर देखने को मिलेगा, आपको थोड़ा सा स्क्रॉल अप करना है, और आप यहां पर देख सकते हो यहां पर सारे वीपीएन का यूज़र नेम और पासवर्ड सेम है, यूज़र नेम भी वीपीएन है और पासवर्ड भी वीपीएन है। तो आपको सिंपली वापस अपनी सेटिंग के अंदर आना है, और यहां पर वीपीएन लिख देना है, और पासवर्ड भी वीपीएन लिख देना है। वीपीएन लिखने के बाद आपको सिंपली इसको सेव कर देना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो आपका जो वीपीएन है यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब आपको इसको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर सिंपली कनेक्ट पे क्लिक करना है, और आपका ये प्रोसेसिंग होने के बाद आपका वीपीएन जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों मेरा ये वीपीएन है जो कनेक्ट हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हो कनेक्टेड लिखा हुआ आ चुका है। अब दोस्तों आपको वीपीएन तो कनेक्ट कर लिया, अब आपको एक बार ट्राई करना है आपके माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे जाके कि आपका सर्वर चेंज हो गया है तो अब आपको कैपकट एप्लीकेशन शो होती है या नहीं। तो यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों मेरे को कैपकट एप्लीकेशन शो नहीं कर रहा है। लेकिन दोस्तों अगर आपके लैपटॉप के अंदर सर्वर के साथ साथ अगर आपकी माइक्रोसॉफ्ट की कंट्री भी चेंज हो जाती है सर्वर के अकॉर्डिंग, तो आपके लैपटॉप के माइक्रोसॉफ्ट के अंदर आपको वो कैपकट एप्लीकेशन शो हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर तो हमें कैपकट एप्लीकेशन शो नहीं हुई है, तो अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ आप दूसरी तरीके से कैपकट एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको आपका वीपीएन ऑफ कर देना है। यहाँ से वीपीएन ऑफ करने के बाद आपको वापस गूगल पे आ जाना है, गूगल पे आपको सर्च करना है कैपकट फॉर डेस्कटॉप, इतना सा लिख के आपको सर्च करना है, और यहाँ पर आपको देख सकते हो ये वाली वेबसाइट आपको दिखनी चाहिए अप टू डाउन।
ये वेबसाइट दोस्तों एकदम वायरस फ्री वेबसाइट है, जिसका आप इजीली कोई भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए कर सकते हो। तो यहाँ पर हमको सिंपली कैपकट विंडो के लिए डाउनलोड करना है, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपका ये जो कैपकट है लेटेस्ट वर्जन है, आप सिंपली इसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर लेटेस्ट वर्जन पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर देख सकते हो आपका कैपकट यहाँ पर डाउनलोड लिखा हुआ आ जाएगा। आपको सिंपली जैसे ही ये प्रोसेसिंग कंप्लीट होगा, आपको यहाँ पर डाउनलोडिंग पर क्लिक करना है और आपका जो सॉफ्टवेयर है यहाँ पर देख सकते हो डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं आपको कंट्रोल जे करके दिखाता हूँ, हमारा कैपकट एप्लीकेशन डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। अब आपको सिंपली इसको डाउनलोड होने देना है। इसको डाउनलोड होने के बाद आपको दोस्तों सिंपली आपको अपने लैपटॉप के अंदर इसको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने अपने लैपटॉप के अंदर इस सॉफ्टवेयर को ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो मैं यहाँ से इसको कैंसिल कर देता हूँ। अब ये तो हो गया दोस्तों कि आपको अपने लैपटॉप के अंदर कैपकट को डाउनलोड कैसे करना है, ये तो मैंने आपको बता दिया, दोनों तरीके बता दिए हैं। दोनों में से आप कोई भी एक तरीके से डायरेक्ट अपने लैपटॉप के अंदर कैपकट को इंस्टॉल कर सकते हो इजीली। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आपको अपने लैपटॉप के अंदर कैपकट को कैसे यूज करना है, ताकि आपको वो सभी ट्रांजिशन एंड इफेक्ट सभी देखने को मिले। तो दोस्तों जब भी आप अपने लैपटॉप के अंदर कैपकट को यूज़ करें, तो उससे पहले आपको वो VPN कनेक्ट करना है जो VPN अभी मैंने ऐड करवाया है आपसे आपके लैपटॉप के अंदर। तो सिंपली आपको पहले वो VPN कनेक्ट करना है। यहाँ पे देख सकते हो मैंने उस VPN को कनेक्ट कर लिया है। इस तरीके से आपको भी वो VPN कनेक्ट करना है। VPN कनेक्ट करने के बाद आपको अपनी एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों मेरी एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। मुझे यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट दिख रहे हैं, क्योंकि ये एप्लीकेशन मैं पहले से ही यूज़ कर रहा हूँ। आप जब न्यू डाउनलोड करोगे तो आपको ये सभी प्रोजेक्ट देखने को नहीं मिलेंगे, यहाँ पे सिर्फ आपको न्यू प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। कुछ इस तरीके से आपको विंडो देखने को मिलेगी। फिर सिंपली आपको वीडियो एडिट करने के लिए न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, तो आपके पास आपकी विंडो कुछ इस तरीके से आ जाएगी। अब यहाँ से आप अपनी वीडियो इंपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे जैसे ही इंपोर्ट पे क्लिक करोगे, आपकी वो फाइल मैनेजर खुल जाएगा जहाँ पे आपकी वीडियोज रखी होगी। आपको सिंपली वो वीडियो यहाँ पे ऐड कर लेनी है। अब दोस्तों मैं सबसे पहले हमें कोई एक वीडियो ऐड कर लेते हैं, ताकि मैं आपको इफेक्ट वगैरह दिखा पाऊँ कि इजीली इफेक्ट आप कैसे लगा सकते हो और कैसे आपको इफेक्ट को डाउनलोड करना है। तो आपका VPN दोस्तों कनेक्ट रहना चाहिए। VPN कनेक्ट रहेगा तो ही आपको इफेक्ट शो होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इफेक्ट एंड ट्रांजिशन एंड स्टिकर्स। तो यहाँ पे देख सकते हो आप जैसे ट्रांजिशन पर क्लिक करोगे तो आप इजीली इन ट्रांजिशन को डाउनलोड कर पाओगे। इन ट्रांजिशंस को आप तभी डाउनलोड कर पाओगे जब आपका VPN कनेक्ट होगा। अगर आपका VPN कनेक्ट नहीं होगा तो ये ट्रांजिशन डाउनलोड नहीं होंगे। यहाँ पे देख सकते हो मैं एक क्लिक के अंदर इस ट्रांजिशन को डाउनलोड कर सकता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो और लगा भी सकता हूँ इजीली। ट्रांजिशन नहीं लगा सकते क्योंकि अभी तक हमने हमारी वीडियो को स्प्लिट नहीं किया, तो हम सिंपली स्प्लिट कर देते हैं। अब मैं यहाँ पर एक ट्रांजिशन लगाता हूँ, तो अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। तो देख सकते हो दोस्तों हमारा ट्रांजिशन लग चुका है। इस तरीके से आप कोई भी ट्रांजिशन और इफेक्ट को इजीली डाउनलोड करके अपनी वीडियोस के अंदर लगा सकते हो। इस तरीके से आप अपने लैपटॉप के अंदर कैपकट को डाउनलोड कर सकते हो और इजीली सारे इफेक्ट्स एंड ट्रांजिशन के साथ VPN कनेक्ट करने के बाद यूज कर सकते हो अपने कैपकट एप्लीकेशन को। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और पसंद आए तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी या नहीं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो दोस्तों प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी जरूर दबा देना, ताकि जब भी मैं ऐसी कोई लेटेस्ट वीडियो लेके आऊं तो वो वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। बाकी आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।